नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ द्विवेदी युग की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले एक और साहित्यकार को लेकर, जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जी का जन्म सन 1875 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1947 में हुई थी। कामता प्रसाद गुरु जी हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। 1920 ईस्वी में लगभग एक वर्ष तक इन्होंने इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित बाल सखा और सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और अनेक भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार इनके द्वारा रचित हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो वो थे कामता प्रसाद गुरु जी। इनके प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इनकी कृतियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति थी इनकी, वह थी हिंदी व्याकरण, जिसकी रचना इन्होंने 1920 में की थी। ये इनकी असाधारण ख्याति का कारण था। इनके द्वारा रचित हिंदी व्याकरण, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रचारिणी सभा काशी में अपनी लेखवाला में इन्होंने किया और 1920 ईस्वी में पहली बार सभा से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है। कतिपय विदेशी भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए हैं। संक्षिप्त हिंदी व्याकरण, मध्य हिंदी व्याकरण और प्रथम हिंदी व्याकरण इसी के संक्षिप्ताकृत संस्करण हैं। गुरु जी ने अपने जीवन काल में कई बार इसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिष्कार भी किए। उपन्यासों में जो इनके प्रमुख उपन्यास थे, वे थे सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा। काव्यों में भौमासुर वध और विनय पचासा, काव्य रचना इन्होंने ब्रजभाषा में की थी। नाटक में पद्म पुष्पावली, सुदर्शन जो कि एक पौराणिक नाटक था, पद्म पुष्पावली की रचना खड़ी बोली में की थी। हिंदुस्तानी शिष्टाचार, प्रसिद्ध कविताओं में शिवाजी और दासी रानी इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी। इस प्रकार से आज हमने कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में पढ़ा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।